पनीर पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया, आप सॉस के साथ खा सकते हैं। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पकौड़ा। इसके लिए हम पनीर ले लिए हैं और यहाँ पर बेसन ले लिए हैं। इसको पनीर में थोड़ा सा नमक डालकर मिला लेते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च मिला लेते हैं और चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके अंदर हम सॉस को डालकर इस तरह से रख लेते हैं। देखिए नमक डाल लिए और थोड़ी सी मिर्च डाल ली, मिर्च डाल ली और चाट मसाला डाल लिया। इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लिया, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाकर पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। इसमें अच्छी तरह से मिला लिए हैं। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल देते हैं, थोड़ी सी। यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है और इसमें हम एक एक करके डाल देते हैं। अब चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तरह से हम सब को डाल लेते हैं। को डाल दें, इसको पलट देते हैं। हम सभी को निकाल लेते हैं। पनीर पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं। ये देखिए पनीर पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया, आप सॉस के साथ खा सकते हैं।